नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कंपल्शन आखिर रोके कैसे। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो थेरेपी में ये बोला जाता है कि आप एक्सपोज करिए अपने अपने आप को इंट्रूसिव थॉट्स से, अपने इमेज से, सेंसेशन से, जो भी अगर आपको थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हार्म ओसीडी है तो आप हार्म ओसीडी के थॉट्स को सोचिए और पर फिर कंपल्शन मत कीजिए। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, कंपल्शन नहीं करें तो कैसे करें? कंपल्शन में इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, कंपल्शन करना पड़ता है। तो एक तो ये है कि ईआरपी में ये बोला जाता है कि पहले तो आप छोटे छोटे अपनी एंग्जाइटी से शुरू करो। बिल्कुल बड़ी एंग्जाइटी से शुरू मत करो, अपनी छोटी एंग्जाइटी से शुरू करो। और जो एंग्जाइटी आती है उसको झेलना सीखो। झेलना मतलब कि जैसे देखो, एंग्जाइटी होती क्या है? एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, आपको पसीना आएगा, आपको कापोगे आप, है ना, गला सूखेगा। तो उस सेंसेशन को, उस फीलिंग को झेलना सीखो। आपकी बॉडी का, आपका बीपी बढ़ेगा, ये सब, आपको पसीने आएंगे, उसको झेलो, कुछ करो मत। जैसे कई बार होता है ना कि आपको गुस्सा आता है, तो ज़रूरी थोड़ी है गुस्सा आएगा तो सामने वाले को थप्पड़ मारना है। आप अपना गुस्सा सह लेते हो ना, वैसे अपनी एंग्जाइटी सह लो, कुछ करो मत। तो अब अपनी एंग्जाइटी को सह लोगे, वो सह लोगे तो कंपल्शन नहीं करोगे। हम कंपल्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी एंग्जाइटी को सह नहीं पाते, उसको वो सह नहीं पाते, इसके लिए हम कंपल्शन करते हैं कि हम वो कंपल्शन करेंगे, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। पर अगर आप एंग्जाइटी को सह लोगे तो कंपल्शन नहीं करोगे। एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी आ रही है तो कंपल्शन, फॉर एग्जांपल, पहले वो हाथ धोते होंगे या कुछ मन में ही सोचते होंगे। कंपल्शन कई टाइप्स के होते हैं, राइट? या एक्सटर्नल कंपल्शन होते हैं जो हमें बाहर दिखता है कि हाथ धोना, या आप कुछ और कुछ वॉक कर रहे हो, या आप चेकिंग ओसीडी में आप चेक कर रहे हो चीज़ें बार बार, आप रेगुलेटर स्टोव का चेक कर रहे हो, या होता है कि मेंटल ओसीडी की आप रैशनलाइज कर रहे हो थॉट्स को, अपने ही थॉट्स से आर्ग्यू कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो अपने थॉट्स को, या काउंटिंग कर रहे हो मेंटल, या मंत्र पढ़ रहे हो। तो ये जो कंपल्शन आप क्या करते हो कि सोचो, फॉर एग्जाम्पल, मेरा मुझे इंट्रूसिव थॉट आता है कि मेरा जो स्टोव है वो ऑन है, और स्टोव जो है वो मतलब कि ऑन रहेगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा कंपल्शन होता है कि मैं बार बार जाके उधर चेक करता हूँ। तो कई लोग सोचते हैं कि इस कंपल्शन की जगह वो है ना, अपने आप से बोलते हैं कि नहीं, मैं 10 बार सोचूंगा कि स्टोव ऑफ है, स्टोव ऑफ है, स्टोव ऑफ है। ऐसे मैं 10 बार अगर सोचूंगा तो फिर मैं मतलब तो स्टोव ऑफ हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये ना, एक कंपल्शन को दूसरे कंपल्शन से रिप्लेस करना होता है, तो वो मत कीजिए। अगर आपको कंपल्शन असली में जो स्टॉप करना है, जो में सही तरीका है स्टॉप करने का, जिससे आपकी ओसीडी भी चली जाएगी, वो ये है कि आप अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखो। एंग्जाइटी से भागो मत, एंग्जाइटी को झेलो। एंग्जाइटी को झेलोगे तो एंग्जाइटी कम हो जाएगी। एंग्जाइटी है, इसी की वजह से आप कंपल्शन कर रहे हो। एंग्जाइटी नहीं होगी तो कंपल्शन नहीं करोगे। तो कंपल्शन सही करने का तरीका ये है कि एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल में बनी हुई है दोस्तों, वो जाके देखो, 40 मिनट की वीडियो, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आपकी। तो वो वीडियो में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्टेंस कैसे करना है, कैसे करते हैं, वो सिखाया है। तो वो आप करो और आप मुझे बताओ। और जिन लोगों की एंग्जाइटी या ओसीडी बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप टैबलेट्स लीजिए, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वहाँ से मेडिसिन्स लीजिए। टैबलेट्स लेने की मेरा मतलब ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो कह रहे हैं उससे मेडिसिन लीजिए, ठीक है, वही आपको ठीक करेंगे। तो वो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी में जाइए, आप मेरी वीडियोस देखिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए। पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जैसा मैंने बोला है, आप जो मेडिसिन्स वगैरह उनसे आप लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो कंपल्शन को अगर रोकना है तो एंग्जाइटी को झेलना सीखो, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, एंड लड़ते रहिए, घबराइए मत, डरिए मत, लड़ते रहिए बस।